तो हम एक्चुअली चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में, बट एक बार दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो एक साइड लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और दूसरी साइड में मेटालिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड मेटालिक कंडक्टेंस। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है ये किसके वजह से होती है? ये होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ओके, इन सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में जब आयंस फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से कौन सी कंडक्टेंस आती है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आती है। ओके, एंड मेटालिक कंडक्टेंस जो है ये किसकी वजह से होती है? देखो मेटल्स वगैरह में जो कंडक्टेंस होती है या वायर वगैरह में जो कंडक्टेंस होती है, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ओके, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। क्लियर है क्या सबको ये? तो वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसकी वजह से आती है मेटालिक कंडक्टेंस। ओके, तो अब देखो यहां पर क्या है, मेटालिक कंडक्टेंस जो है इसमें तो कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही है। मेटालिक कंडक्टेंस जो है इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक है इसमें हो जाती है। तो यहां पर एक्चुअली हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ऑब्वियसली पहले डिकम्पोज होगा, जैसे NaCl सॉल्यूशन है हमारे पास वाटर में, ठीक है। तो वाटर में हमने NaCl डाला हुआ है तो पहले क्या है, Na और Cl में वो डिसोसिएट होगा। समझाई नहीं आया? NaCl जो है पहले Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। लेकिन मेटालिक कंडक्टेंस में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम बोल सकते हैं कि यहां पर डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या आयनाइजेशन बोल सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, नो केमिकल चेंज। इसके अलावा इसमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है यार? मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो इनमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है? तो हमारे पास जो मेटालिक कंडक्टेंस है उसमें रेजिस्टेंस आएगा जब अपने पास आयंस जो हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वगैरह से क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। समझाया? ऑब्वियसली कंडक्टेंस किसकी वजह से आ रही है, आयंस की वजह से, आयंस फ्लो कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर आयन बीच में, आयन के मतलब जो फ्लो कर रहे हैं तो बीच में कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ गया तो उसे टकरा जाएगा तो फ्लो नहीं हो पाएगा अच्छे से, है ना। तो इस वजह से हमारे पास वहां पर क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। ओके, तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कॉलिजन ऑफ, स्पेलिंग क्या होती है कॉलिजन की, COLLIONSION क्या ये थोड़ी होती है, SON क्या, COLLI होता ही नहीं होता, देन SON कोलिजन। अरे एस तो आएगा ना कोलिजन में, नहीं आता कोलिजन में एस, रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन तो एस तो आएगा ना यार, क्या होगी स्पेलिंग, COLLISION कोलिजन, SON ही होगा शायद, देख लेना यार। तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन ऑफ आयंस विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। समझ आया सबको?
मेटालिक कंडक्टेंस में जो रेजिस्टेंस आता है वो क्यों आता है यार? वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम वगैरह से टकरा जाते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनका, अगर उनके रास्ते में क्या आ गया, एटम आ गया, तो ऑब्वियसली उससे टकरा के हमारे पास उनका फ्लो स्लो हो जाएगा, हम बोल सकते हैं वहां पर क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मेटल एटम। क्लियर है सबको? तो अब देखो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे कि दोनों टाइप के रेजिस्टेंस, ये दोनों टाइप के कंडक्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे क्या? Yes. क्या होगा? देखो यहां पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ आयंस फास्ट हो जाएगा और कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। क्या सेम मेटालिक में होगा? क्या मेटालिक में एक्चुअली ऐसा नहीं होता? मेटालिक में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, मेटालिक के केस में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब वहां पर कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। हमें ऑब्वियसली पढ़ना यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ही है, बट एक बार हम दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस तो बढ़ती है, बट मेटालिक कंडक्टेंस जो है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, समझ आया? तो लिख लो ये, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली हम अभी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहां पर लेते हैं सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन अगर ज्यादा होता है तो याद रखना रेजिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा आएगा, मतलब कंडक्टेंस क्या आएगी, कंडक्टेंस जो है कम हो जाएगी। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन,
सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब हम बोल सकते हैं हाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया एक तरह से, है ना, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। तो अगर हाइड्रेशन ज्यादा है तो क्या है यार, हाइड्रेशन अगर ज्यादा होगा तो जो एक्वस आयन है वो बड़ा हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो एक्वस आयन अगर बड़ा हो गया तो फिर स्लो फ्लो करेगा, मतलब कंडक्टेंस कम आएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर ज्यादा है तो भी याद रखना रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टेंस जो है वो क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का बीच का इंटरेक्शन, तो वो एक तरह से क्या हो गया, विस्कोसिटी हो गया। तो अगर विस्कोसिटी वगैरह ज्यादा है तो भी आयन फ्लो करने में डिफिकल्टी होगी ना, क्योंकि अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो जो आयन है उसके बीच में ऑब्वियसली क्या आएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा, है ना, तो वहां पर भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर ज्यादा हुआ तो भी रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा एंड कंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। तो ये तीनों टाइप का इंटरेक्शन जो एक तरह से हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ाता है और कंडक्टेंस कम करता है। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं, लिखो पहले। हो गया सबका, हो गया क्या? तो नेक्स्ट है यहां पर, नेक्स्ट फैक्टर इज ऑलरेडी हमने बता दिया वैसे, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का हमने क्या बताया, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रोलिटिक के टाइम हमने जो रेजिस्टेंस बताया था वो क्या होता है, कम होता है ना। तो रेजिस्टेंस कम होगा मतलब कंडक्टेंस बढ़ेगा, है ना। एंड लास्ट यहां पर है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किस टाइप का, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरी तरह आयनाइज होगा, तो आयंस ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस ज्यादा होगा।
अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस कम होंगे, तो आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस भी कम आएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, किससे, वीक इलेक्ट्रोलाइट से। ओके, तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जिसमें कंडक्टेंस जो है वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा, हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो लिखो ये, फिर आगे स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस। देख लिया सबने ना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस। तो देखो हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इनका जो एरिया है वो ए है और बीच का जो डिस्टेंस है वो एल है, एंड यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है या कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब देखो जो रेजिस्टेंस है R, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, याद है क्या, ये तो तुमने पढ़ा होगा ना, ये वाला पढ़ा है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉरी, ये इलेक्ट्रिसिटी में आता है ना, स्टार्ट हो गया उधर फिजिक्स में। हाँ, तो रेजिस्टेंस L बाई A पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो कॉन्स्टेंट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रो, विच इज रेजिस्टिविटी, याद है क्या, ठीक है। तो हियर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसे क्या बोल सकते हैं हम, रेजिस्टिविटी, क्लियर है। तो अब देखो अगर हम यहां पर इनवर्स करें इसका, रेसिप्रोकल करें, तो वन बाय रो इज इक्वल टू वन बाय सॉरी वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय रो इंटू एल बाई ए, या फिर इसको हम अगर वन बाय रो इज इक्वल टू लिखें तो वन बाय रो इज इक्वल टू वन बाय आर इंटू एल बाई ए, सॉरी ये ए बाई एल हो गया, ठीक है। सो वन बाय रो इक्वल टू वन बाय आर इंटू एल बाय ए, ये हो गया। तो यहां पर ये जो वन बाई रो है इसको हम बोल देंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर कंडक्टिविटी, रिप्रेजेंट इसे करते हैं इटैलिक के से, मतलब कापा, इस सिंबल को बोलते हैं कापा,
कापा या कप्पा को बोल देते हैं, दिस सिंबल इज कप्पा कापा है ना। तो इसमें से कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R इज जस्ट कंडक्टेंस, इंटू एल बाई ए को हम बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मूला हो जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड सेल कॉन्स्टेंट के बीच में, ठीक है। अच्छा यहां पर एल क्या है यार, एल क्या है, दिस एल इज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, एंड ए जो है ये क्या है, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। क्लियर है सबको, ठीक है। तो 1/ρ इज स्पेसिफिक, देखो रो था कंडक्टेंस, सॉरी रो था रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो 1/ρ हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। आर था रेजिस्टेंस, तो उसका उल्टा हो गया जस्ट कंडक्टेंस, एंड एल बाई ए को हम बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट। ओके, यूनिट क्या होगा इसका यार, तो चलो यूनिट भी बताते, पहले लिख लो ये, हो गया सबका। तो अब देखो यूनिट एक बार देख लेते हैं कि यूनिट क्या है इनका। तो अच्छा सेल कॉन्स्टेंट मतलब एल बाई ए ना, ठीक है, यर सेल कॉन्स्टेंट इज ए बाई ए। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रो, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो गया 1/ρ, एंड कंडक्टेंस हो गया 1/ रेजिस्टेंस मतलब 1/R। तो यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा यार, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है सेंटीमीटर रेज टू माइनस वन या फिर मीटर रेज टू माइनस वन। कंडक्टेंस जो है इसका क्या होगा, तो देखो रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस का ओम, तो कंडक्टेंस का उल्टा, मतलब इसका हम बोल सकते हैं ओम माइनस वन या फिर ओएचएम माइनस वन, या फिर ओएचएम को महो भी बोल सकते हैं, ओएचएम माइनस वन को महो बोल सकते हैं, या फिर एक और यूनिट आता है यहां पर साइमन, तो साइमन क्या जो है ये कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट है जो
सॉरी कंडक्टेंस के यूज किए जा सकते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के यूनिट क्या होंगे यार, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट है ना, तो कंडक्टेंस का हो गया ओम माइनस वन और इसका एक तरह से सेंटीमीटर माइनस वन मीटर माइनस वन, ठीक है, तो ये हो जाता है इसका यूनिट ओम माइनस वन सेंटीमीटर माइनस वन, या फिर ओम माइनस वन मीटर माइनस वन, या फिर साइमन मीटर माइनस वन। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस के क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे दो तीन, ठीक है। तो सेल कॉन्स्टेंट, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ये यूनिट हो गए। हो गया सबका? आई आंसर, सॉरी आई आंसर नहीं, लिख लिया सबने? तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो यहां पर, मोलार कंडक्टेंस। तो मोलार कंडक्टेंस जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल लैम्ब्डा से, या फिर म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज कैपिटल लैम्ब्डा। तो मोलार कंडक्टेंस जो ये क्या होता है यार, तो इट इज कंडक्टेंस ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर वन सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कितना दूर है, वन सेंटीमीटर दूर है। तो अब देखो यहां पर क्या है, ये म्यू या कैपिटल लैम्ब्डा को हम लिखते हैं कापा इंटू वी, एंड दिस वी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट। ये जो भी है ये क्या है, वन मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम, और यूनिट इसकी होनी चाहिए याद रखना सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एमएल। ओके, यहां पर वी जो है इसका यूनिट क्या है, वी का यूनिट एक तरह से देखा जाए तो सेंटीमीटर पर मोल हो गया है। ओके, तो यार इसका नया फॉर्मूला भी क्या आ सकता है, देखो तो मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है एक्स मोलार। ओके, सॉल्यूशन क्या है, एक्स मोलार। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स मोल इन कितना, वन लीटर है कि नहीं, एक्स मोल इन वन लीटर मतलब कि किसमें, थाउजेंड एमएल, हम बोल सकते हैं थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है क्या? देखो यूनिटरी मेथड से हम ये वी की वैल्यू बता सकते हैं, कैसे, हमें पता है कि एक्स मोल जो है इनका वॉल्यूम थाउजेंड एमएल है, तो वन मोल का वॉल्यूम क्या होगा यार, तो एक्स मोल जो है इनका वॉल्यूम हो गया थाउजेंड एमएल या थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब, तो वन मोल का वॉल्यूम कितना होगा, कितना हो जाएगा, थाउजेंड डिवाइड बाय एक्स सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है क्या यार?
समझ आया क्या? Yes. अब इसको सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो म्यू क्या आया, तो म्यू आ जाएगा कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय एक्स, ये आ जाएगा, आएगा ना? Yes. तो म्यू इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय एक्स, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कापा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। ओके, तो यहां म्यू आया हमारे पास कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय एक्स, विच इज नथिंग बट कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। क्लियर है सबको ये? तो यूनिट क्या हो जाएगा यार, इसका यूनिट क्या होगा? देखो कापा का यूनिट क्या था, कापा का यूनिट हम बोल सकते हैं ओम माइनस वन, सेंटीमीटर माइनस वन था एक तरह से, है ना, इंटू वी, वी का यूनिट अभी क्या है यार, वी का यूनिट देखो है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, यही है ना, एक मोल का वॉल्यूम चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में, यही है क्या? तो क्या है ये यूनिट, इट इज ओम माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस वन। क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? ठीक है, तो जो मोलार कंडक्टेंस है विच इज कैपिटल लैम्ब्डा या फिर म्यू, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कापा इंटू 1000 बाय मोलरिटी, इस फॉर्मूले से आएगा मोलार कंडक्टेंस। लिख लिया सबने? चले आगे। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, लिख लिया ना सबने? तो कैलकुलेट मोलार कंडक्टेंस ऑफ वन मोलार CH3COOH इन SL, इन SL having resistance SL having resistance 250 ohm and cell constant (125 meter - 1). Thank you.
हो गया क्या? तो देखो यहाँ पर जो L by A है वो कितना है, तो L by A is 125 मीटर माइनस वन, तो अगर इसको हम सेंटीमीटर माइनस वन में करेंगे तो कितना होगा? इट इज आई थिंक 1.25 सेंटीमीटर माइनस वन ना, एक मीटर का 125 है तो एक सेंटीमीटर का क्या होगा 1.25 ना, तो सेंटीमीटर माइनस वन में ये हो गया। इसके अलावा तो ये सेल कांस्टेंट हो गया। कापा क्या होगा फिर? कापा इज 1/r है ना इंटू एल बाई ए, यही है ना, तो 1/r कितना है, तो 1/250 इंटू 1.25, तो ये क्या आ गया यार, आई थिंक दिस इज 1/2 इंटू 10^-2 है ना, तो ये यूनिट क्या है, दिस इज ओम माइनस वन सेंटीमीटर माइनस वन। तो अभी देखो यहाँ पर जो मोलार कंडक्टेंस है म्यू वो क्या होगा, तो दिस इज कापा विच इज 10^-2 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, तो क्या आ रहा है, मोलरिटी इज वन, तो क्या आ रहा है आंसर, दिस इज फाइव ना, दिस इज फाइव सेंटीमीटर रेस टू थ्री, सॉरी ओम माइनस वन सेंटीमीटर रेस टू थ्री पर मोल। क्लियर है क्या? यही आएगा ना? Yes. सेंटीमीटर इज टू थ्री है, स्क्वायर था ना। और अगर इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, अगर आंसर मीटर स्क्वायर में पूछा होता तो 5×10^-4 ओम माइनस वन मीटर स्क्वायर मोल माइनस वन, यही आता ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10^-2, बट सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कर रहे हैं तो 10^-4, ठीक है। तो आंसर हो सकता है मीटर स्क्वायर में पूछा हो तो इस टाइप से कर लोगे। क्लियर है क्या सबको? चले आगे। तो ये था मोलार कंडक्टेंस,
नेक्स्ट लेते हैं यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैम्डा से। तो देखो ये क्या है, तो जैसे मोलार कंडक्टेंस था वैसे ही है। मोलार कंडक्टेंस में क्या बात करते थे, पर मोल की बात करते थे, यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में पर इक्विवेलेंट की बात करेंगे। ओके, सो दिस इज कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर वन सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो सेम वही है, जस्ट वहां पर मोल की बात कर रहे थे, यहां पर इक्विवेलेंट की बात करेंगे। तो लैम्डा जो है इट इज कापा इंटू वी, बट दिस वी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो यहां पर भी हम ऐसे ही ले लेते हैं जैसे लास्ट टाइम लिया था। मान लो हमारे पास x नॉर्मल कोई सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है s x इक्विवेलेंट चलो y ले लेते हैं, तो y नॉर्मल है कोई सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y इक्विवेलेंट इन 1 लीटर या हम बोल सकते 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो लास्ट टाइम ही तरह हम बोल सकते हैं कि यार y इक्विवेलेंट जो है इनका वॉल्यूम क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम क्या होगा 1000 बाय y। क्लियर है क्या? तो लास्ट टाइम की तरह फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू कापा इनटू वी, है ना। अभी वी का वैल्यू क्या है, इट इज 1000 बाय y। तो अभी हमने y क्या लिया, हमने y लिया नॉर्मलिटी, मतलब दिस इज कापा इनटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। क्लियर है क्या? तो अभी यूनिट क्या होगा यार, तो लास्ट टाइम वाला यूनिट होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वहां पर मोल था, यहाँ पर इक्विवेलेंट होगा। मतलब यूनिट क्या हो सकता है इसका, ओम माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट माइनस वन। ठीक है, पर मोल की जगह यहाँ पर क्या है, पर इक्विवेलेंट है, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर वगैरह भी हो सकता है। याद रखना ओम माइनस वन की जगह कैपिटल एस भी लिखा जा सकता है। हो गया सबका? चले आगे, लिख लिया क्या? Yes. देखो मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन आ सकता है। तो रिलेशन बिटवीन
मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमारे पास ये जो लैम्डा आया ये क्या है, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। अब यार हमने वॉल्यूमेट्रिक में ऑलरेडी बताया नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन है ना। नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, यही होता है ना। तो दिस इज कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहां से देखो ये कापा इंटू 1000 बाय मोलरिटी क्या हो गया, म्यू हो गया ना। तो यहां से देख सकते हैं लैम्डा आया म्यू अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन फैक्टर। ओके, तो अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए तो मोलार कंडक्टेंस से आ सकता है वो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर। क्लियर है सबको ये? Yes. समझ आया क्या? Yes. हो गया सबका, हो गया क्या? Yes. चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज, इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज
2.6 into 10 raised to power minus 2 ohm minus 1 centimeter minus 1. हो गया सबका आंसर आया क्या? आंसर आया सबका? आंसर आया भाई सबका? तो देखो पहले हम यहां पर म्यू निकाल लेते हैं, तो म्यू इज कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। तो क्या है ये? कापा इज 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, मोलरिटी 0.1। तो क्या आ गया ये? 2.6 इंटू 10 रेज टू 2 ये आएगा ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए। तो वो क्या यार? मोलार कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है इसका? एन फैक्टर क्या है इसका? H2SO4 एसिड है ना, एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? 2 होता है ना। तो क्या आएगा? 1.3 इंटू 10 रेज टू 2। यूनिट क्या हो गया? ओम माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट माइनस 1। क्लियर है सबको ना? तो इस टाइप से मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वगैरह निकाल सकते हैं हम। Thank you.
चले आ गए। नेक्स्ट सेटिंग डालो। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन, या बोल सकते हैं डायल्यूशन। जैसे जैसे डायल्यूशन करेंगे वैसे वैसे कंडक्टेंस पर और मोलार कंडक्टेंस वगैरह जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यार अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, कॉन्सेंट्रेशन क्या किया, डिक्रीज किया, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी। क्या हो गया बताओ। अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ आयंस कम हो गए ना यार। नंबर ऑफ आयंस कम हुए कि नहीं हुए? Yes. तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। ठीक yes. है, तो याद रखना कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। हम बोल सकते हैं ऑन डायल्यूशन। ठीक है, समझाई नहीं आया। डायल्यूशन जब कर रहे हैं तो एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज ही हो रही है। पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। क्लियर है क्या यार सबको? ये समझ आया सबको? जब भी हम डायल्यूशन करेंगे तो हम बेसिकली क्या करें, वॉल्यूम बढ़ा दिए ना एक तरह से, तो पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास जो आयंस है वो क्या आएंगे, कम आए। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करें डायल्यूशन करके, डायल्यूशन करके मतलब वाटर वगैरह ऐड किया, तो नंबर ऑफ आयंस उतने ही रहे बट वॉल्यूम बढ़ गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम हो गए। समझ आया सबको यार? क्लियर है क्या? ठीक है, तो कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगा अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, डायल्यूशन करेंगे। व्हाट अबाउट मोलार कंडक्टेंस यार? व्हाट अबाउट मोलार कंडक्टेंस? डायल्यूशन करने पर मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? देखो डायल्यूशन अगर हम करते हैं तो वी बढ़ गया ना, और कापा इंटू वी एक तरह से क्या था, कापा इंटू वी क्या था, मोलार कंडक्टेंस था। तो वी जो है वो बढ़ गया यार, तो वी बढ़ गया तो ऑब्वियसली मोलार कंडक्टेंस जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ आया क्या? तो मोलार कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डायलेशन, या फिर हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ठीक है। अगर हम डायल्यूशन करेंगे या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो मोलार कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज
वॉल्यूम पर मोल ऑफ सब्सटेंस या पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ठीक है वॉल्यूम ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस तो यार एक्चुअली हम डाइल्यूशन करते जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा है ना और कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है लेकिन मोलार कंटेक्टेंस बढ़ता जाएगा तो जब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर देंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब कर देंगे तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम कुछ वैल्यू आ जाएगा इसका है ना तो मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा नॉट जो कैपिटल लैम्डा नॉट है मतलब कैपिटल लैम्डा क्या था मोलार कंडक्टेंस था और लैम्डा नॉट जो है इस टाइप से हम बोल सकते हैं हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला मोलार कंडक्टेंस क्लियर है क्या ठीक है तो हम डाइल्यूशन करते जाएंगे तो मोलार कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हो गया सबका लिख लिया क्या Thank you.
लिख लिया सबने? तो अब देखो ये मोलार कंडक्टेंस जो है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे वेरी होगा वो देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पर देखो ग्राफ है, मतलब एक्चुअली इसके लिए एक इक्वेशन आती है, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस ए इंटू रूट सी। तो अगर हम कंडक्टेंस मतलब मोलार कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप से डिक्रीज होगा, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो मोलार कंडक्ट, देखो याद है कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर मोलार कंडक्टेंस बढ़ता है ना, डाइल्यूशन जब कर रहे हैं मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं तो मोलार कंडक्टेंस जो है क्या है डाइल्यूशन करने पर या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर मोलार कंडक्टेंस बढ़ता है, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पर मोलार कंडक्टेंस क्या होगा कम होगा है ना, तो वो इस वे में कम होगा। तो मोलार कंडक्टेंस वर्सेज रूट सी वाला जो ग्राफ है देखो यहां से हम देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन जैसा आएगा ना, दिस इज वाई दिस इज सी एंड दिस इज एम एक्स, ओके। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया तो हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा एंड इसकी स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी ए एंड ये जो इंटरसेप्ट है ये हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला मोलार कंडक्टेंस, क्लियर है। अब यहां पर ए जो है ए डिपेंड करेगा डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमारे पास सेम टाइप का चार्ज आ रहा है तो ए सेम रहेगा, ठीक है। ए डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम टाइप के चार्ज दे रहे जैसे NaCl और KCl दोनों का ए सेम है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए जो है NaCl और KCl का क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन NaCl एंड CaCl2 का सेम नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो आयन से अलग अलग टाइप के आएंगे, NaCl में Na प्लस और CaCl2 में Ca2 प्लस, समझ आया क्या। तो अगर हमारे पास चार्ज ऑन आयन अलग अलग टाइप का आ रहा है देन A अलग अलग रहेगा, ओके। सो A सेम कब रहेगा जब सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हो या सेम टाइप के चार्ज इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हो। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो यहां पर क्या है कि जैसे जैसे हम डायल्यूशन करेंगे वैसे वैसे कंडक्टेंस जो है इस टाइप से लीनियरली, जैसे जैसे डायल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस इस टाइप से लीनियरली एक तरह से हम बोल सकते हैं बढ़ गया, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम देखेंगे तो ये जो ग्राफ है ये थोड़ा अलग टाइप का आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियरली चेंज आ रहा था बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर रैपिड चेंज आएगा, अगर हम डायल्यूशन करते हैं तो रैपिड चेंज आएगा, हम बोल सकते हैं कि जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से आएगा, ओके। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ओके। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है इनके केस में हमारे पास इस टाइप का ग्राफ आएगा, तो यहां पर स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, यहां पर एकदम से बढ़ रहा है, अगर देखो याद रखो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं लेकिन ऐसे देखो तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है कम हो रही है ना, तो ऐसे जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं मतलब डायलेशन कर रहे हैं, तो डायलेशन जब कर रहे हैं तो देख सकते हैं कंडक्टेंस बढ़ रहा है बट यहां पर लीनियरली बढ़ रहा है कंडक्टेंस, है ना, यहां पर लीनियरली नहीं बढ़ रहा है यहां पर रैपिडली बढ़ रहा है, समझाई नहीं आया। तो ये रैपिडली बढ़ने का रीजन क्या है यार, यहां पर दो चीजें हो रही है, देखो यहां पर अगर हम डायलेशन करते हैं तो अल्फा जो है वो भी तो बढ़ता है ना, याद है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा ऑलवेज वन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा है वो तो क्या ऑलवेज वन है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा लेस देन वन था, बट डायल्यूशन करेंगे तो अल्फा भी बढ़ेगा, मतलब यहां पर आयनेशन बढ़ रहा है, तो आयनेशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी तो हमारे पास कंडक्टेंस बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी,
समझाया नहीं आया? तो यहां पर डायलेशन करने पर अल्फा बढ़ता है, आयनेशन बढ़ता है, तो आयनेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयन्स पहले से ज्यादा आएंगे, मतलब कंडक्टेंस भी पहले से ज्यादा आएगी। तो दो रीजन की वजह से यहां पर कंडक्टेंस बढ़ रही है, एक तो आयनेशन की वजह से, और दूसरा रीजन पहले वाला ही है कि जब हम डायलेशन करते हैं तो मोलार कंडक्टेंस बढ़ता है। तो यहां पर तो जस्ट डायलेशन करने पर मोलार कंडक्टेंस बढ़ रहा था, एक ही रीजन आया, यहां पर दो रीजन की वजह से डायलेशन करने पर मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा, एक तो आयन्स बढ़ गए और दूसरा जो पहले वाला रीजन था वही वी बढ़ गया पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर मोल्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर ग्रेटर वैल्यू से क्या होगा, मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा। ओके, तो ये दोनों के लिए ग्राफ आ गए। अब देखो एक चीज और याद रखना यार, अल्फा जो है इसको हम इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, एट एनी पॉइंट मोलार कंडक्टेंस डिवाइड बाय इनफाइनाइट डायलेशन पे मोलार कंडक्टेंस। तो इस फॉर्मूले के थ्रू अल्फा जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, एट एनी पॉइंट मोलार कंडक्टेंस डिवाइड बाय इनफाइनाइट डायलेशन पर मोलार कंडक्टेंस। तो इससे हमें अल्फा मिल जाएगा किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पता करना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पर उसका अल्फा सॉरी उस पॉइंट पर उसका मोलार कंडक्टेंस पता होना चाहिए एंड इनफाइनाइट डायलेशन वाला मोलार कंडक्टेंस पता होना चाहिए। तो ये दोनों पता होना चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग का अल्फा कैसे मिलेगा यार, स्ट्रॉन्ग का तो अल्फा ऑलवेज क्या होता है, वन होता है। क्लियर है क्या, समझ आया गया सबको? हो गया सबका? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो उस पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली काफी पूछे जाते हैं, ठीक है, एंड उसके थ्रू हम एक्चुअली इनफाइनाइट डायलेशन पर मोलार या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं। मतलब हमें हमें कैसे पता चलेगा कि मोलार का, मतलब जैसे यहां पर देखो हम तो इसको तो एक्सट्रापोलेट कर दिया, तो लाइक किसी कोई दो पॉइंट पता तो उसी को आगे ले गए, तो हमें ग्राफ से मिल सकता है, बट यहां पर कैसे मिलेगा इनफाइनाइट डायलेशन पर, यहां पर कैसे मिलेगा, तो जस्ट ग्राफ हमने ऐसे बना दिया, बट इनफाइनाइट डायलेशन जब करेंगे तो वैल्यू निकालना यहां पर डिफिकल्ट है। तो इसके लिए यूज किया जाता है कोलराउस लॉ, और उसी पर बेस्ड जनरली क्वेश्चन यहां पर आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोलराउस लॉ। स्पेलिंग क्या है यार इसकी, कोलराउस लॉ की? ठीक है, कोलराउस लॉ। तो ये क्या बोलता है कि जब इनफाइनाइट डायलेशन हमने किया है और जब 100% डिसोसिएशन हो चुका है, तो वहां पर हर आयन का कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइट, और वो जो आयन है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो किससे अटैच है। मतलब एक पर्टिकुलर आयन का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो आयन किसी के साथ भी अटैच हो।
ओके सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन 100% डिसोसिएशन टेक्स प्लेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन इज सेम towards contribution of iron is same towards equivalent conductance of an electrolyte irrespective of iron with which it is attached. Total equivalent conductance या हम बोल सकते हैं equivalent conductance of electrolyte equivalent conductance of electrolyte is sum of equivalent conductance of ions at infinite dilution. तो infinite dilution पर जो हमारे पास ions हैं उनका इक्वलेंट कंडक्टेंस अगर ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का इक्वलेंट कंडक्टेंस हमें मिल जाएगा. ठीक है, जैसे हम अगर बोलेंगे लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एनए पॉजिटिव इन एनएसीएल इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एनए पॉजिटिव इन एनए टू एसओ फोर. ठीक है, सेम ही रहेगा. समझाई नहीं आया? तो वो डिपेंड नहीं करेगा कि पर्टिकुलर आयन किससे अटैच है. उस पर्टिकुलर आयन का जो कंडक्टेंस है वो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट रहेगा या फिक्स रहेगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, तो अब देखो अगर हमें यहां पर लैम्डा इन्फिनिटी चाहिए ऑफ NaCl तो ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव. ये होगा याद रखना. अगर हमें यहां पर लैम्डा इंफिनिटी निकालना है सी ए सी एल टू का, ऑब्वियसली लैम्डा इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला इक्वलेंट कंडक्टेंस. ठीक है, तो अगर हमें लैम्डा इंफिनिटी चाहिए सी ए सी एल टू का तो ये आएगा लैम्डा इंफिनिटी ऑफ सी ए टू पॉजिटिव एंड लैम्डा इंफिनिटी ऑफ सी एल नेगेटिव का सम. सिमिलरली अगर हमें चाहिए यहां पर लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ ए एल सी एल थ्री तो ये आएगा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ ए एल थ्री पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ सी एल नेगेटिव. समझ आएगा सबको? तो अगर हम आयन्स का इक्वलेंट कंडक्टेंस यहां पर ऐड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रोलाइट का इक्वलेंट कंडक्टेंस मिल जाएगा at infinite dilution. क्लियर है सबको? ठीक है, तो लिख लो ये, इसके बाद ब्रेक है
आफ्टर ब्रेक आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमने किया, वैसे ही मोलार कंडक्टेंस में भी हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें नंबर ऑफ आयंस भी देखने पड़ेंगे कितने हैं। जैसे अगर हम यहां पर इसी को एग्जांपल लें तो मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl इज ऑब्वियसली मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मोलार कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 देखेंगे तो यहाँ याद रखना हमें यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस भी लेने पड़ेंगे। तो दिस इज टू टाइम्स ऑफ मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, ये हो जाएगा। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमें नंबर ऑफ आयंस नहीं लेने, जस्ट कौन कौन सा आयन है उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐड करेंगे। बट मोलार कंडक्टेंस है तो उसमें हमें नंबर ऑफ आयंस भी लेने हैं। सिमिलरली AlCl3 का अगर हम देखेंगे तो इट इज मोलार कंडक्टेंस ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो अभी देखो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आ सकते हैं। जैसे तुम्हें यहां पर मान लो दिया मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3CONa दिया है, मान लो X, मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaOH दिया है मान लो Y, एंड या फिर NaCl दिया मान लो, ये मान लो दिया तुम्हें Y, मोलार कंडक्टेंस ऑफ HCl दिया है मान लो Z, और तुम्हें निकालना है मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3COH, मान लो ये कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो एक्चुअली अगर हम इसको ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, दिस इज नथिंग बट मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही है ना। सिमिलरली ये जो है ये क्या है, सो मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज मोलार कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, ऐसा कुछ है ना। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये चाहिए। तो यार ये कैसे आ सकता है, देखो गिवन से आ सकता है CH3CO नेगेटिव से आ जाएगा और H पॉजिटिव कहां से आएगा, लास्ट वाले से। तो अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड करें तो CH3CO नेगेटिव भी आ गया, H पॉजिटिव आ गया, बट साथ साथ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी आ रहा है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज X प्लस Z माइनस Y। क्लियर है सबको ये, समझ आया क्या? Yes. तो कोलराउस लॉ का यूज ऐसे ही किया जाता है, मतलब हमें दो तीन का मोलार कंडक्टेंस दे देंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन और किसी एक का निकालना होगा, तो हमें क्या है वो पर्टिकुलर आयंस लेके आने, तो पर्टिकुलर आयंस कहां से आ सकते हैं, जैसे ये इसका चाहिए तो CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों से ही आएंगे आयन। लेकिन जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो Na और Cl भी आ रहा है, तो वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये वाला माइनस कर दो। क्लियर है क्या? Thank you.
हो गया है सबका? चले आगे। ओके चलो, तो क्वेश्चन ले लेते एक। तो मैं मोलार कंडक्टेंस दिया है, BaCl2 का दिया मान लो x, मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaCl दिया है y, मोलार कंडक्टेंस ऑफ HCl दिया है, एक मिनट, HCl नहीं, मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaOH दिया ये, बट Na भी नहीं होना चाहिए, NaOH नहीं, BaOH twice होगा, HCl दिया मान लो y, और मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3CO पोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3CO होल ट्वाइस BA जो है वो दिया है मान लो Z, एंड मोलार कंडक्टेंस निकालना है CH3COH का, क्या होगा? Thank you.
हो गया क्या सबका? आई आंसर? तो देखो यहां पर हमें CH3COH चाहिए है ना, तो CH3COH इधर से आएगा और H इधर से आएगा, लेकिन इधर से जब हम CH3CO होल्ड ट्वाइस मतलब ये लेंगे तो इसमें दो आयन आएंगे CH3COH के, तो हमें चाहिए एक्चुअली एक आयन और एक आयन चाहिए H पॉजिटिव का। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली इधर से ये दो आयन आएंगे तो मेरे ख्याल से जेड बाई टू होगा एंड साथ में वाई चाहिए है ना, तो जेड बाई टू प्लस वाई एंड आई थिंक एक्स बाई टू हो जाएगा क्या, माइनस एक्स बाई टू यही आएगा क्या? ठीक है, क्योंकि इससे हमें सी एस थ्री सीओ के दो आयन मिल रहे हैं बट हमें एक आयन चाहिए तो डिवाइड बाई टू कर देंगे तो जेड बाई टू हो गया। इसके अलावा जब ऐसा हो रहा है तो बी ए भी हाफ हो रहा है ना, बी ए के हाफ आ रहे हैं तो बी ए हमें नहीं चाहिए तो बी ए के हाफ यहाँ से कैंसिल आउट हो सकते हैं अगर इसको एक्स बाई टू कर देंगे। इसके साथ साथ इसको जब हम एच सी एल को ले रहे हैं तो एच सी एल को ले रहे हैं तो इससे एक सी एल भी आ रहा है तो वो सी एल भी कैंसिल आउट कर रहा है तो एक्स बाय टू हो जाएगा वो। क्लियर है क्या? यही आ रहा है? ठीक है, यही आ रहा है सबका? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैलकुलेट अल्फा ऑफ 0.1 मोलार CH3COH इफ लैम्डा इज 1.8 ओम माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1
एंड लैम्डा ओ ऑफ सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव इज इक्वल टू वन ट्वेंटी ओ माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस वन एंड लैम्डा ऑफ एच पॉजिटिव इज टू फोर्टी ओ माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस वन. ये दोनों हमें दिए हैं, इनको यूज करके अल्फा बताना है सी एस थ्री सी ओ एच का क्या होगा. आ गया क्या आंसर? आया सबका आंसर? तो देखो यहां पर क्या है, हमने क्या बताया था अल्फा क्या होगा यार, अल्फा जो है लैम्डा एट एनी पॉइंट डिवाइड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला लैम्डा, या हम बोल सकते हैं कि मोलार कंडक्टेंस एट एनी पॉइंट डिवाइड बाय मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना. तो मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो गया यार इसका, दोनों आयन का समना. तो क्या आ गया ये 120 प्लस 240 विच इज 360 ओ माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस वन. तो हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या होगा यार, अल्फा इज मोलार कंडक्टेंस एट एनी पॉइंट, तो वो दिया 1.8 डिवाइड बाय मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विच इज 360. तो क्या आ रहा है यार ये 1/200 आ रहा है क्या, 1/200 मतलब कितना हो गया, दिस इज 0.5% ना, या 0.005 यही है क्या, क्लियर है सबको? आगे चले गया? Yes. ठीक है, अब देखो ये कोलराउस लॉ को यूज करके हम केएसपी भी निकाल सकते हैं. केएसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग डालो. डिटर्मिनेशन ऑफ
solubility and Ksp of partially soluble salt. Using Kolmogorov's law. तो जैसे मान लो हमें यहां पर AgNO3 का दिया है मान लो X, KNO3 का दिया है मान लो Y एंड KCl का दिया है मान लो Z. तो यहां से AgCl का क्या होगा यार, AgCl का क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखो AgCl का चाहिए तो Ag और Cl आने चाहिए ना, तो इधर से Ag और Cl आएगा लेकिन साथ में K और NO3 भी आ रहा है, तो क्या हो गया ये X plus Z minus Y. क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये AgCl का मोलार कंडक्टेंस हो गया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो अब देखो ये मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब हम करेंगे तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी के, वो फॉर्मूला सब लेके आएंगे लेकिन उस फॉर्मूला में मोलरिटी की जगह हम यूज करेंगे सॉलिबिलिटी. ओके, तो ये हमारे पास आएगा सॉलिबिलिटी. तो यहां से सॉलिबिलिटी क्या हो गया, यहां से हमें सॉलिबिलिटी मिल जाएगा कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो ये आ जाएगा सॉलिबिलिटी. अगर सॉलिबिलिटी आ गया देन Ksp कैसे आएगा यार, तो Ksp के लिए क्या करें, तो AgCl सॉलिड गिव्स Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, यही था ना. तो अगर इसका सॉलिबिलिटी S होता है तो ये S आएगा, ये भी S आएगा, तो Ksp क्या होता था, S into S, that is S square. समझ आया क्या? क्लियर है क्या सबको ये? तो इस टाइप से Ksp कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग Kolmogorov's law. हो गया सबका? Yes. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं. Determine S and Ksp of AgCl using following data. So molar conductance of Ag positive is 68 ohm minus 1 centimeter square mole minus 1.
एंड मोलार कंडक्टेंस ऑफ सीएल नेगेटिव इज 82 ओम माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 एंड कापा ए ऑफ AgCl इज 1.5 इंटू 10^-4 ओम माइनस 1 सेंटीमीटर माइनस 1। तो इसको यूज करके KSP ऑफ AgCl बताना है और सॉल्युबिलिटी भी बताना है। हो गया क्या सबका? आया आंसर? तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो AgCl जो है इसका मोलार कंडक्टेंस क्या होगा, इट इज 68+82 विच इज 150 ना, तो 150 ओम माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। अब देखो सॉल्युबिलिटी क्या आएगा, तो इट इज कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय यही है ना। सो कापा क्या है,
इट इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 1000 डिवाइड बाय 150। तो कितना आ गया रे? टेनिस्ट पावर माइनस 3 हुआ क्या? टेनिस्ट पावर माइनस 3 आया ना, तो टेनिस्ट पावर माइनस 3 आ गया। तो केएसपी क्या है इसका? एस स्क्वायर मीन्स 10^-3 का स्क्वायर विच इज 10^-6। क्लियर है क्या? समझ आया सबको? चले आ गए? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। कैलकुलेट K of weak acid HA if of HA at 0.05 molar is 7.8 into 10^-4 or minus 1 centimeter square mole minus 1 and is 3.9 into 10^-2 or minus 1 centimeter square mole minus 1. Thank you.
आंसर आया गया यार? Yes. आया आंसर? Yes. आ गया सबका ना? Yes. तो देखो यहां पर अगर हमें एच ए का के निकालना है तो देखो कैसे आ सकता है, तो के जो है ये होता है सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ऐसा कुछ होता है। ओके तो देखते हैं अल्फा क्या है। अल्फा तो निकाल सकते हैं यार, कोलराउस लॉ से है ना। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज ये है ना, तो क्या है, दिस इज 7.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, तो कितना आ रहा है अल्फा? This is 2 into 10 raised to power minus 2 ना, तो obviously काफी कम है, तो 1 के respect में neglect कर सकते हैं, मतलब 1 minus alpha को हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, है ना। तो k क्या आएगा यार, so k हो गया c into alpha square, तो c कितना है, c 0.05 into alpha square means 2 into 10 raised to power minus 2 का square, तो क्या आएगा ये, दिस इज 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, सो दिस इज 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 या फिर 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। क्लियर है सबको? यही आया क्या सबका आंसर? हो गया सबका? चले आगे। ओके सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी ऑफ BSO4 इफ BaCl2Na2SO4 एंड NaCl का दोनों का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है, हमें सॉल्युबिलिटी बतानी है और KSV बताना है BaSO4 का। आया गया सबका आंसर? तो देखो यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया ना कि मोलार कंडक्टेंस, तो पहले देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस BSO4 का क्या होगा, तो याद है मोलार कंडक्टेंस के केस में हमें नंबर ऑफ आयंस वगैरह देखने होते थे, बट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमें नंबर ऑफ आयंस देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां से बी ए और एसओ फोर लेके आना है, तो बी ए यहां से आ सकता है, एसओ फोर यहां से आ सकता है, बट साथ में Cl और Na भी आएगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो Ba के लिए आया X, SO4 के लिए आया Y एंड NaCl को सब्ट्रैक्ट करेंगे Z। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया यहाँ पे ना कि मोलार, तो याद रखना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हो तो नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जस्ट क्या ले सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही ले सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया BSO4 का, लेकिन हमें सॉल्युबिलिटी के लिए चाहिए मोलार कंडक्टेंस। तो मोलार कंडक्टेंस क्या होगा यार, सो मोलार कंडक्टेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या है, मोलार कंडक्टेंस इज n फैक्टर इनटू
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो एन फैक्टर क्या है इसका, टू है ना यार, है कि नहीं? ये आएगा ना, तो एन फैक्टर क्या है इसका, टू हो गया ना, बी एस एफ ओर का एन फैक्टर इज टू, तो टू इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, समझ आया क्या? तो ये मोलार कंडक्टेंस हो गया बी एस एफ ओर का। अब इसके थ्रू हम यहां पर सॉलिबिलिटी ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, इट इज कापा, कापा की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते कुछ भी, तो मान लो जस्ट कापा को कापा ही रहने दे, मान लो उसको कुछ और ले लेते, पी ले लेते, चलो ठीक है कुछ भी ले लो, तो कापा मान लो यहां पर है पी, ठीक है, तो पी इंटू थाउजेंड डिवाइड बाय मोलार कंडक्टेंस विच इज टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, समझ आया क्या? ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया सॉलिबिलिटी। अगर सॉलिबिलिटी आ गया तो KSP क्या है, बी एस एफ फोर का बी एस स्क्वायर है ना, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है क्या सबको? सॉरी हाँ ये सॉरी सॉरी माइनस जेड, क्लियर है सबको? तो इस टाइप से हम KSP और सॉलिबिलिटी निकालेंगे, लेकिन याद रखना कि हमें अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है तो उसके केस में नंबर ऑफ आयंस नहीं देखने, मोलार कंडक्टेंस दिया है फिर नंबर ऑफ आयंस देखने। हो गया सबका ना, ठीक है, तो अभी चैप्टर तो वैसे ऑलमोस्ट हो गया, कंडक्टेंस वाला पार्ट भी, एक दो टर्म है वो भी ले लेते हैं, रब करेगा तो एक टर्म होती है आयनिक मोबिलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यू से। तो आयनिक मोबिलिटी जो है ये क्या है यार, वैसे तो हमने बताया कि स्पीड ही होती है एक तरह से, है ना, आयनिक मोबिलिटी क्या है, स्पीड, ये क्या यार इलेक्ट्रॉन सॉरी आयंस जो है कितना फास्ट है कितना स्लो मूव कर रहे हैं। तो आयनिक स्पीड या स्पीड ऑफ आयंस पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इस टाइप से डिफाइन किया जाता है इसको, स्पीड ऑफ आयंस पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फिर क्या हो गया ये, तो आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक स्पीड डिवाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा यार, तो आयनिक स्पीड हो गया ऑब्वियसली सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड वगैरह, डिवाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है,
वोल्ट पर सेंटीमीटर, यही होता है ना, पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, यही होता है। वो है क्या उधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया होगा ना, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गया इसका, वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसका पूरे का यूनिट क्या हो गया, देखो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, वोल्ट माइनस वन, सेकेंड माइनस वन, क्लियर है क्या? ठीक है, लेकिन इसका जो मेनली फॉर, वैसे तो हमने बताया कि जनरली पूछा नहीं जाता इस पे बेस्ट कोई क्वेश्चन वगैरह, बट अगर इसको फिर भी तुम्हें कैलकुलेट करना है तो ये आ सकता है लैम्बडा से, अगर तुम्हें कंडक्टेंस वगैरह दिया आयन का, तो डिवाइड बाय 96500 या फेराडे। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास आता है आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, लैम्बडा डिवाइड बाय 96500 इज आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन। हो गया सबका, ठीक है। तो एक तो योग्य आयनिक मोबिलिटी, एक और हो जाता है टर्म ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर। देखो क्या है कि हमारे पास जो टोटल करंट है, उस टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन जो है पर्टिकुलर आयन की वजह से आ रहा है, ओके, पर्टिकुलर आयन की वजह से कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट आएगा आउट ऑफ टोटल करंट, तो वो हो जाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। तो फ्रैक्शन ऑफ करंट ड्यू टू आयन, ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ करंट ड्यू टू आयन जो है वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। तो इसका फिर फॉर्मूला क्या होगा यार, तो ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ आयन, लैम्बडा या फिर मोलार कंडक्टेंस ले लेते हैं, ऑफ आयन डिवाइड बाय, क्योंकि हमारे पास जरूर नहीं एक ही आयन हो, एक से ज्यादा भी आयन हो सकते हैं पर्टिकुलर टाइप के, तो मोलार कंडक्टेंस ऑफ आयन डिवाइड बाय मोलार कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके। सो आयन का कंडक्टेंस डिवाइड बाय इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर हो जाएगा। समझ आया क्या? एक पर्टिकुलर आयन की वजह से कितना करंट है उसका फ्रैक्शन लेना है, तो उस आयन की वजह से कंडक्टेंस डिवाइड बाय टोटल कंडक्टेंस जो है एक तरह से क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया, ओके। सो ये हो गया यार कंडक्टेंस वाला पार्ट भी खत्म। अभी जो चैप्टर में बचा है वो फ्यूल सेल बचा है, प्राइमरी सेकेंडरी सेल वगैरह जो है वो वाला पार्ट बचा है, एंड इसके अलावा कोरोजन वाला पार्ट बचा, ठीक है। तो वो वाला पार्ट जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करा देंगे, मोस्टली टाइम शायद रहेगा, देखते हैं, ठीक है। तो अभी होमवर्क जो है पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। टीडब्ल्यूटी का सिलेबस पूरा चैप्टर ही है, मतलब आज के लेक्चर तक का, फ्यूल सेल कोरोजन वगैरह वो सब भी रहेगा, तो वो भी एक बार पढ़ लेना जैसे मैंने बताया, ठीक है।